हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम है इस एडोब फोटोशॉप लर्निंग की क्लास नंबर 8 में, जहां पे आज हम सीखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। देखिए, मैंने फोटोशॉप खोल लिया है और ये वाला जो टूल है ये क्लोन स्टैम्प टूल है। इसके अंदर एक क्लोन स्टैम्प टूल है, एक पैटर्न स्टैम्प टूल है। तो बेसिकली जो क्लोन का मीन्स होता है वो है किसी चीज़ को कॉपी करना। कोई एक चीज़ है, हमें उसे मल्टीपल यूज़ करना है, उसकी कॉपी लगानी है, तो उसके लिए यूज़ होता है क्लोन स्टैम्प टूल। मैंने फोटोशॉप खोला है और कुछ वॉलपेपर्स, कुछ इमेजेस मैंने खोली है ताकि मैं आपको इसमें बता पाऊँ कि ये कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक ये वॉल पेंटिंग है और हमने यहाँ से स्टैम्प टूल लिया, क्लोन स्टैम्प टूल, और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये एक पॉपअप ब्लिंक करेगा। तो ये मैसेज होता है कि कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। तो ये बोल रहा है कि जो चीज़ हमें क्लोन करनी है वो एरिया हमने डिफाइन नहीं किया, वो सोर्स जहाँ से हमें कोई चीज़ कॉपी करनी है हमने वो सोर्स को सेलेक्ट नहीं किया। तो वो सेलेक्ट कैसे कर रहा है वो देखिए, जब हम इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो वो ब्रैकेट में आएगा ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जब हमें कोई सोर्स पॉइंट लेना है तो हमें ऑल्ट को प्रेस करना है। ठीक है, इस देखिए, जैसे ब्रश में हमने ब्रैकेट स्क्वायर ओपन से छोटा करते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से ब्रश साइज को बड़ा करते हैं, वैसे ही इस स्टैम्प टूल में भी सेम प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको छोटा किया, मैंने ऑल्ट की प्रेस की और इस वाले लीफ को मैंने यहाँ से क्लोन किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक लो ओपेसिटी में एक सोर्स आ रहा है कि ये चीज़, जिसका मीन्स है कि ये चीज़ क्लोन हो चुकी है, ये चीज़ कॉपी हो चुकी है लेकिन अभी अप्लाई नहीं हुई। तो हम इसको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए ये चीज़ कॉपी हो रही है। ठीक है, जितने भी हमें सोर्स लेने हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये सोर्स सेलेक्ट है तो हम जहाँ पर भी क्लिक करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग मूव हुआ है। मतलब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया था तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ। देखिए, हमने ऑल्ट किया, इस पार्ट को सेलेक्ट किया और हमने इस लीफ को यहाँ पे क्लोन किया। अब हमें क्लोन करने के लिए हमें ये वाली लीफ चाहिए, तो हम ऑल्ट से इस वाले पार्ट को क्लोन करेंगे और फिर इसको सोर्स लेंगे और इसको यहाँ पे क्लोन करेंगे। इस वाले लीफ को क्लोन सोर्स बनाएंगे और इसको यहाँ पे क्लोन करेंगे, इसको सोर्स बनाएंगे, फिर से एक कॉपी यहाँ पे लगाएंगे। मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ। तो ये एक बेसिक यूज़ है क्लोन करने का। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो बेसिक इतना आपको क्लियर हुआ कि जो हमें सोर्स लेना है उसको हम ऑल्ट क्लिक, जब हम ऑल्ट क्लिक प्रेस करेंगे तो इसका जो कर्सर है, एक वो सोर्स का एक आइकन आएगा और उससे हम यहाँ से सोर्स लेंगे एंड देन जहाँ पे हमें क्लोन करना है वहाँ पे इसको ट्रैक करेंगे और इसको हम जैसे जैसे आगे ड्रैग करेंगे तो देखिए सोर्स जो है वहाँ पे एक प्लस का आइकन है, वो भी माउस के साथ ड्रैग होता रहेगा। ठीक है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ को, कंट्रोल सेट। अब देखिए, सेम जो ब्रश टूल हमने पढ़ा था, तो
सेम जो प्रॉपर्टीज है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इसमें हम कोई भी ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं क्लोन करने के लिए भी, और ये ब्रश की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये कुछ क्लोन सोर्स है, इसको हम अभी देखेंगे। ये मोड्स हैं, ओपेसिटी, फ्लो, एंगल, और यहाँ पे एक अलाइंड एक ऑप्शन है, इसमें ये अभी सेलेक्टेड है। जब हम इसको सेलेक्ट हटा जब इसको हम चेक हटा देते हैं तब मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ। अभी ये चेक अभी चेक नहीं है। जब हम इस पर चेक नहीं है उस टाइम हम इसको मान लीजिए हमने इसको यहाँ से छोटा किया, हमने स्टैम्प टूल लिया और इसको यहाँ से सोर्स बनाया और उसको हमने क्लोन किया, ठीक है, मैंने क्लोन करके इसको छोड़ दिया। अब अगर मैं कहीं और भी क्लोन करूँगा तो ये सोर्स पॉइंट वही लेगा जो हमने फर्स्ट टाइम लिया है, जो हमने सोर्स लिया है उसी को हर जगह क्लोन करेगा। लेकिन जब हम इसको हम अलाइन पे चेक लगा देंगे और उसके बाद सोर्स लेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारे माउस को हम मूव करेंगे उस हिसाब से हमारा सोर्स भी मूव होगा। उस हिसाब से हमारा सोर्स भी मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सोर्स आ गया, यहाँ पे ये वाला सोर्स आ गया। जब ये अलाइंट अनचेक है तो सोर्स पॉइंट एक ही होगा। ये मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर लिया, ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी यूज़ कर ली, ठीक है। तो अभी मैं इसमें एक चीज़ और आपको बताता हूँ, उसके बाद है सैम्पल। सैम्पल में अभी हम देख रहे हैं करंट लेयर, ठीक है, एक है ऑल लेयर्स। मान लीजिए मैंने एक न्यू लेयर ली तो क्या होगा कि जब ये करंट लेयर होगा तो ये वही लेयर पे काम होगा जिस पे जो सेलेक्टेड है। जैसे ये बैकग्राउंड लेयर है, बैकग्राउंड लेयर पे ये एक इमेज है तो ये इसी चीज़ को क्लोन करेगी क्योंकि यहाँ पे करंट लेयर है। जिस लेयर को हम सेलेक्ट करेंगे उसी को क्लोन करेगा। जब हम यहाँ से सैम्पल पे हम ऑल लेयर्स करेंगे और ये एक न्यू लेयर लेंगे ब्लैंक लेयर, उसके बाद जब हम क्लोन करेंगे तो ये एक न्यू लेयर में हमें क्लोन करके देगा। तो बेसिकली इसको आप अलाइंड ही रहने दीजिएगा, यही यूज़ किया जाता है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक न्यू लेयर में ये क्लोन हो रहा है, तो इसके बेनिफिट्स ये है तो मैंने इस लेयर को ये एक अलग हमारे पास कॉपी आ गई, ठीक है। इसमें हमें जो चीज़ नहीं चाहिए उसको हम इरेज भी कर सकते हैं, उसको हम इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्लोन टूल का यूज़ है और हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक बर्ड की एक पैरट का इमेज है, ठीक है। अब मैं इसके आपको कुछ क्लोन टूल की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम उसको देख लेते हैं। ये कुछ क्लोन के प्रीसेट्स हैं कि हम क्लोन को क्लोन सोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। हमें बार बार मान लीजिए कोई इमेज है जिसपे हमें 5 या 6 चीज़ों को क्लोन करना है तो हमें बार बार सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल मान लीजिए ये एक बर्ड है, ठीक है, और मुझे इसको क्लोन करना है, मुझे इसको कॉपी करना है एक और इस साइड में, इस जगह पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्लोन टूल लिया, ऐसे ऑल लेयर पे सेलेक्ट किया, एक न्यू लेयर ली, थोड़ा सा मैं क्लोन का साइज बढ़ा दूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से सोर्स को डिफाइन किया, मैंने यहाँ से सोर्स लिया और अब मैंने इसको क्लोन किया। थोड़ा सा नीचे हो गया ये, पर मैं
मैं इसको यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे क्लोन किया। अब ये दोनों, ये थोड़ा सा ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है ना, क्योंकि साइज़ भी एक ही है और मतलब रियलिस्टिक वाली फील नहीं आ रहा। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ, एक नई लेयर बनाएंगे, ठीक है। मुझे, मैं चाहता हूँ कि इसके वर्टिकली एक कॉपी लग जाए, ठीक है। सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक कॉपी और लग जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल वाला जो ये बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने यहाँ से सोर्स लिया और मैंने यहाँ से इसको क्लोन करना स्टार्ट किया। अब देखिए क्या हुआ कि ये हॉरिजॉन्टली कॉपी लग गई, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली इसको हम ऐसे यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए इसका मुझे जो क्लोन मैं करूँगा उसका साइज़ छोटा करना है, तो यहाँ पे डाइमेंशंस है, यहाँ पे मैंने इसको 50 किया, मैंने क्लोन लिया और देखिए अब अभी क्या हो गया, इसका जो साइज़ है वो छोटा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने हॉरिजॉन्टल इसको फ्लिप किया है, वैसे ही हम इसको वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। मैं आपको वर्टिकल फ्लिप करके दिखाता हूँ। इसका भी 50% ले रहा है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से 100% किया। ये देखिए ये वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें कुछ ये जो फ्रेम ऑफसेट है ये एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक एंगल भी है, हम इसको यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं। इस लेयर का ही एंगल चेंज हो रहा है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंगल लिया 10, अब ये देखिए 10 डिग्री पे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये एंगल भी रोटेट हो गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे है शो ओवरले, ये कुछ ऑप्शंस है। ये सिर्फ ये जो ऑप्शंस हैं ये इस टूल की प्रॉपर्टीज़ को दिखाने के लिए हैं। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ से सोर्स लूँगा और यहाँ पे मुझे क्लोन करना है, तो अभी जब ये शो ओवरले था तो ये एक ओवरले दिखाएगा कि यहाँ पे क्लोन होगा। जब तो हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। सेकेंड, ओपेसिटी अभी यहाँ पे जब हम क्लोन करेंगे तो ये जो ये ओपेसिटीज की 100 है ओवरले की, इसको हम 50 कर देंगे तो ये देखिए ये 50% ही क्लोन होगा। ओपेसिटी जो है वो 50 दिखेगी, ठीक है। 10 कर देंगे तो सैंपल में ये 10 दिखाएगा। यहाँ पे क्लिप्ड पे चेक लगा हुआ है, तो ये क्लिप्ड क्या है कि जो भी हमारा ब्रश साइज है उसी के अंदर क्लिप्ट करके ही हमें सैंपल देगा। जैसे इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा सैंपल होता रहेगा, छोटा करेंगे तो छोटा सैंपल होगा। उसके नीचे ऑटो हाइट, जब हम ऑटो हाइट करेंगे, अब हम क्लोन लेंगे तो
कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। इसको हमने क्लिप को अनचेक किया, ये देखिए ये पूरी फोटो को ही सैंपल देगा। इसको मैंने एंगल को ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। इसको अनचेक किया, इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, लाइट कलर को डार्क ले लेगा, डार्क को लाइट ले लेगा, ठीक है। तो हम इसको क्लिप्ड ही रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये फ्लिप करने के लिए कुछ है कि कोई हमें जो चीज़ क्लोन करनी है उसको हम कैसे फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप करके साइज़ भी छोटा कर सकते हैं, क्लोन कर क्लोन का जो भी चीज़ हमें कॉपी करनी है उसका साइज़ भी छोटा हो जाए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ये कुछ क्लिप्स के ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कि मैं क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कैसे करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मुझे आपको ये बताना था कि क्लोन सोर्स, ये वाला बताना था, ठीक है। देखिए ये जो क्लोन सोर्स है, जैसे मान लीजिए मुझे बहुत सारी चीज़ें कॉपी करनी है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्लोन पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस चीज़ को क्लोन किया, सेकंड पे गए मैंने इस वाले लीफ को क्लोन किया, ठीक है। मुझे ये बार बार मुझे कॉपी करना है, देखिए ये यहाँ से क्लोन हुआ, इस पे गए ये क्लोन हुआ, इस पे आए ये क्लोन हुआ, इस पे आए ये क्लोन हुआ, ठीक है। तो इसमें हम अपने जो सोर्स है उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो बेसिकली मैं कैसे किस लिए स्टैम्प क्लोन क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है, और इसमें एक एलिफेंट है, ठीक है, और ये जो दूसरा एलिफेंट है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड ये एलिफेंट यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैंने एक न्यू लेयर ली, स्टैम्प क्लोन टूल लिया, इसको जूम किया, ठीक है। स्टैम्प क्लोन टूल से हम इसको यहाँ से सोर्स लिया, और देखिए मुझे जब इसको रिमूव करना है तो दोनों साइड से मैं वही कलर को लूँगा दोनों साइड से, तो बड़े ध्यान से जहाँ पे लाइन है वहाँ से सीधा रखे ताकि ओवरलैप ना हो चीज़,
देखिए, दोनों कलर को मैच करने के लिए आपको दोनों साइड से सोर्स को लेना पड़ेगा ताकि कलर्स इजीली मैच हो। और जिस जिस एंगल में है उसी एंगल में आपको इसको क्लोन करना पड़ेगा। देखिए, जो मेरा मेरा जो क्लोन टूल को यूज़ करने का मकसद है, मतलब जो यूज़ रहता है वो यही होता है कि ठीक है। तो आज की क्लास में यही था कि आप क्लोन टूल को प्रैक्टिस करें, कोई भी उसको क्लोन करें, हॉरिजॉन्टल क्लोन करें, वर्टिकल क्लोन करें, एंगल चेंज करें, कोई भी डिज़ाइन क्लोन करें, कोई भी बैकग्राउंड जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने डिज़ाइंस में उसमें कुछ ऐसे पिक्सल्स हैं जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए, तो उसको क्लोन करके उस चीज़ को प्लेन कर सकते हैं वहाँ से। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।